नमस्कार दोस्तों, आपने टाइटैनिक के बारे में शायद सुना ही होगा, वही जहाज जो बर्फ की चट्टान से टकराने के कारण समुद्र में डूब गया था। पर अगर उस वक्त हमारे पास सोनार टेक्नोलॉजी होती तो हमें बर्फ को देखना या सूंघना नहीं पड़ता, जैसा कि उस मूवी में हुआ था। पता है, मैं बर्फ सूंघ लेता हूं अगर पास हो तो। बकवास। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सोनार टेक्नोलॉजी हमारी काम आती है। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब जैसा नाम वैसा काम, हम यहाँ पे साउंड की सहायता से अंदर वाटर थिंग्स को नेविगेट कर सकते हैं और उसका रेंज यानी कि डिस्टेंस पता कर सकते हैं। चाहे हमें समुद्र की गहराई पता करनी हो, या फिर दुश्मन की सबमरीन पता करनी हो, या फिर बर्फ की चट्टान, कुछ भी हम जो है उसे साउंड की सहायता से हम उसे पता कर सकते हैं। पर ये सुनार टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है? इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम होता है अल्ट्रासोनिक साउंड को इमिट करना, मतलब सेंड करना। और रिसीवर का काम होता है जब वो अल्ट्रासोनिक साउंड सेंड होकर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आएगा तो उसे डिटेक्ट करना। ट्रांसमीटर सेंड करता है अल्ट्रासोनिक साउंड को, और जब उस साउंड का रिफ्लेक्शन किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक सबमरीन्स से टकरा कर रिसीवर के पास वापस आता है तो जो टाइम लगता है इको को रिटर्न होकर आने में, उससे सोनार यह पता लगा लेता है कि दूरी पर है। इसे कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड डिवाइडेड बाय टू। हम लोग यहाँ पर डिवाइडेड बाय टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाफ टाइम उसे जाने में लगेगा उस साउंड वेव को, और हाफ टाइम उसे वापस टकरा कर आने में लगेगा। जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसी तरह से साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज एक सोनार डिवाइस है किसी शिप से अटैच, और वो एक अल्ट्रासोनिक वेव समुद्र में भेजता है। वह वेव 4 सेकंड लगाता है समुद्र तल से वापस रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंचने में। तो हमें यहाँ पर समुद्र की अगर गहराई नापनी होगी तो किस तरह से नापेंगे? तो यहाँ पर जो पहले हमने बताया फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन टू, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका समुद्र की गहराई नापेंगे। अब हमें यहाँ पर स्पीड मालूम होनी चाहिए, साउंड की स्पीड अंडर वाटर क्या होती है। साउंड की स्पीड अंडर वाटर सी वाटर में अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास लूँ तो उसकी होती है 1530 या 31 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे राउंड ऑफ में ले लेते हैं 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास लगा 4 सेकेंड वापस आने में। तो हम यहाँ पर ले लेंगे टाइम 4 सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि आधा सेकेंड उसे जाने में लगेगा, आधा सेकेंड आने में लगेगा, इसलिए हम उसे हाफ कर देंगे। अब हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 मीटर और 3 किलोमीटर। वहाँ पर हमें समुद्र की गहराई जो है या फिर पानी की गहराई हमें मालूम चल गई कि यहाँ पे 3000 मीटर पर इसकी गहराई है। सेम टेक्नोलॉजी को जो है बैट्स भी इसे यूज करते हैं, और हमने एक्चुअली बैट्स से ही इसे सीखा है। बैट्स जो है अल्ट्रासाउंड को उपयोग करते हैं जिससे वो रात में एकदम अंधेरा भी हो उसमें भी उड़ते हैं, और जैसे ही दीवार आता है तो जब वो उनका अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वेव है उस दीवार से टकरा कर उनके कानों की तरफ पहुंच जाता है तो पता लगा लेते हैं कि वो कितनी दूरी पर वो दीवार है, और वहाँ से वो टर्न ले लेते हैं। तो हमने इसे बैट से ही सीखा है, और ये हमारे जो शिप है उसमें काफ़ी काम आता है। ये सोनार अधिकतर बड़ी बड़ी शिप में लगी होती है, और इससे जो है आप वो जो जो टाइटैनिक के साथ जो दुर्घटना हुई वो आप इसकी मदद से आप नहीं हो सकती। तो मुझे उम्मीद है कि सोनार के बारे में यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।